हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? और आज मैं बना रही हूँ यहाँ पर छोले। छोले मैंने धो के रखे हुए हैं और जो है आलू मैं एक छील रही हूँ। आलू मैं इसलिए छील रही हूँ क्योंकि नोनी को आलू खाना होता है तो छोलों के साथ में वो उबल जाएगा। अधिकतर मैं ऐसे ही करती हूँ, सब्जी में आलू जरूर उबालती हूँ, या तो नोनी के लिए या अपने लिए भी। कई बार फ्राई करके खाने का अगर मन होता है तो। और यहाँ पर मैंने कुकर में डाल दिए हैं छोले और आलू दोनों, क्योंकि छोले मैंने पहले से ही धो करके रखे हुए थे। और मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको आंवला, सूखा आंवला है। 2 पीस मैंने सूखे आंवले के डाले हैं। ये किस लिए डाले हैं? ताकि रंग इसका काला हो जाए, काले वाले छोले जैसे बनते हैं। हल्दी, बहुत से लोग कई बार हल्दी भी डाल देते हैं, यहाँ पर पीले छोले बन जाते हैं। मेरी मम्मी भी डाल देती थी, लेकिन यहाँ पर मैं आंवला ही यूज करती हूँ। और मैंने इसमें पानी डाल दिया था, नमक डाल दिया था साथ में, और गैस ऑन करके कुकर मैंने रख दिया है। और अब इसमें सीटी आने का वेट करूंगी, 4 से 5 सीटी आ जाएंगी। और यहाँ पर मैं ये पेस्ट बनाने के लिए तैयारी कर रही हूँ, तड़का जो लगाऊंगी मैं छोलों में उसके लिए। यहाँ पे मैंने टमाटर लिए हैं 2, और लहसुन लिया है थोड़ा सा, हरी मिर्ची ली है। मैं टमाटर को थोड़ा काट लूंगी, और ये इसलिए काट रही हूँ ताकि मिक्सी में ये आराम से पीस जाए। अदरवाइज आवाज बहुत करती है मेरी मिक्सी। यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस में काट करके रख लूंगी। और ये हो चुका है, इसको मैं अभी साइड में करके पहले गूंद लूंगी आटा, क्योंकि मैं खड़े होकर सारा काम कर रही तो फटाफट मैंने सोचा पहले आटा गूंद लूंगी। आटा 10-15 मिनट रखा रहेगा तो रोटी अच्छे से बन जाएंगी। धीरे धीरे करके ये सारा मैं आटा गूंदूंगी। हाथ में थोड़ी प्रॉब्लम होने की वजह से आप लोग बोलेंगे कि हाथ खाली है, मुझे पहले भी किसी ने बोला था कि हाथ खाली क्यों रखते हो। तो यार मेरे इसी हाथ में प्रॉब्लम है, और यहाँ पे हल्की सी सूजन रहती है तो वहां पे मैं चूड़ी नहीं पहन पाती हूँ, इस वजह से मेरा ये वाला हाथ खाली रहता है और मुझे बहुत दिक्कत होती है इससे। और यहाँ पर बस आटा मेरा लग चुका है। लास्ट में मैं क्या करती हूँ, हल्का सा ऑयल लेकर के इस पे लगा देती हूँ ताकि अच्छे से रहे और पपड़ी ना आए। सर्दियों में तो ये भी दिक्कत होने लग जाती है कि हल्का सा सूख जाता है। और यहाँ पे बस लग गया है ये मेरा आटा। अब मैं लगाऊंगी साथ में छोले में तड़का। और यहाँ पर मैंने लगा रही हूँ मैं इसमें लोहे की कढ़ाई में, मैंने लोहे की कढ़ाई गैस पर रख दी है। और साइड में तन्नु भी खड़ी हुई है, वो आलू निकाल रही थी कुकर में से नोनी के लिए। यहाँ पे मैंने हींग जीरा डाला है और तेज पत्ता डाला था थोड़ा सा, और यहाँ पे जो मैंने टमाटर हरी मिर्ची और लहसुन का पेस्ट बनाया था वो मैंने डाला। प्याज मेरे पास खत्म हो रखी थी इस वजह से मैंने प्याज नहीं डाली थी। इनको अच्छे से चला लूंगी, जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ता है तब तक मुझे इसे चलाना है। और जब ये ऑयल छोड़ देगा तब इसमें छोले डालूंगी। अभी मैं मसाला डाल रही हूँ इसमें, सूखा धनिया मैंने इसमें डाला है, और हल्दी इसमें डालनी नहीं है, लाल मिर्ची मैं डाल नहीं रही हूँ, कसूरी मेथी डालूंगी इसमें मैं, क्योंकि हरी मिर्ची मैं डाल चुकी हूँ इसलिए मैं लाल मिर्ची नहीं डाल रही हूँ यहाँ पर। लाल मिर्ची डाल के और तीखा हो जाएगा। लाल मिर्ची मैं डालती हूँ लेकिन बहुत कम यूज कर रही हूँ आजकल, बहुत अवॉइड करती हूँ मैं लाल मिर्ची को। तो यहाँ पे जो उसमें जार में बचा हुआ था थोड़ा बहुत, वो भी मैंने मसाला इसमें जार दिया है, मतलब निकाल दिया है मसाला इसमें। और बस ये ग्रेवी हो चुकी है तैयार। तो मैं यहाँ पर पहले निकाल रही हूँ आंवला जो मैंने उसमें डाला हुआ था। क्या होता है, आंवले में बीज होते हैं तो बीजों को निकालना जरूरी होता है। वैसे कई बार मैं तोड़ के भी डब्बी में भरती हूँ लेकिन ये टूटे हुए नहीं थे, तो इसमें बीज हैं, ये गर्म हो रखे हैं, और इसमें से बीज मैं अलग कर दूंगी। और आंवला जो है, आंवले के छिलके जो हैं मैं इसमें डाल दूंगी और उसको अच्छे से चला दूंगी ताकि ये टूट करके इसमें मिक्स हो जाए। आंवले से क्या होता है ना कि एक तो काले हो जाते हैं ये, ऊपर से ये खट्टा बनाता है। आप देखेंगे कि अभी से काले कितने दिख रहे हैं, पानी काला हो चुका है इसका। खट्टा खट्टा टेस्ट आता है, वो भी बहुत अच्छा लगता है छोलों में। और अपनी मर्जी होती है कि कुछ लोग ज़्यादा खट्टा खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं। तो ये देखें बस यहाँ पर ये छोले बन चुके हैं। तो यहाँ छोलों में भी उबाल आना बाकी था, मैंने दूसरी तरफ रख दिए हैं छोले दूसरी गैस पे, और मैं यहाँ पर रोटियाँ बना रही हूँ। ये मेरी पहली रोटी है, वही मेरी इज्जत का फलूदा जो होता है। तो रोटी भी साथ के साथ मैं बनाने लग गई हूँ, क्योंकि आज तन्नू चली गई थी कॉलेज, मेरा काम नहीं हो पाया था। अब मैं शाम को खाना बना रही हूँ, सुबह हम लोगों ने ऐसे ही नाश्ता किया, खाना नहीं बन पाया था क्योंकि गौरी भी थोड़ी परेशान थी आज। और यहाँ पर बस चपाती मैं ये बना करके रख लूंगी, इनको दुकान पे खाना भेज दूंगी। और आप देखो छोलों में वहाँ पे उबाल आ रहा है, उबाल मीन्स की पानी और छोले एकदम मिक्स हो जाएंगे यहाँ पर। और आप छोलों को अगर थोड़ा सा तोड़ देते हैं ना उसके अंदर तो और भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि पानी में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं तो ग्रेवी और ज़्यादा अच्छी बन जाती है।
बस इसी तरीके से मैम मैं यहाँ पे सारी रोटियां बना करके रख लूंगी, और छोले मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ किस तरीके से बने हैं, कैसा उस पे कलर आया है। तो ये देखिए ये उबल चुके हैं अच्छे से, और देखो आप बिल्कुल ब्लैक हो चुके हैं। एक तो लोहे की कढ़ाई में ऊपर से आंवला, और काले छोले अच्छे लगते हैं मुझे इवन खाने में। और यहाँ पे लाइट इसलिए नहीं दिख रही है, मेरी परछाई आ रही है छोलों के ऊपर। अभी आप देख सकते हैं ये आप देखिए इस तरीके का कलर आया है। और यहाँ पे मैं इंडक्शन खोल रही हूँ आज, ये मुझे दीदी ने दिया था इंडक्शन, मैं फर्स्ट टाइम इसे यूज कर रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे चला करके देख लेती हूँ। और इसकी पैकिंग खोलूंगी मैं, यहाँ पर पैकिंग खोल दी है मैंने, इसको मैं निकालूंगी बाहर। और पहली बार कुछ भी चीज़ चलाओ तो थोड़ा सा डर लगता है, कुछ भी चीज़ यूज करने से थोड़ा डर लगता है। और यहाँ पर मैंने इसे लगा दिया है, अभी मैं ज़मीन पर ही रख कर इसे चला करके देख रही थी। इसका बहुत सारे फायदे हो जाएंगे मेरे को, दीदी ने इसी वजह से दिया है कि गौरी अब छोटी है, सबसे बड़ी बात कि सिलेंडर वगैरह कभी ख़त्म हो जाते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाती है। और यहाँ पर मैं दूध गर्म करने की सोच रही थी, इस पर मैंने यहाँ पर हीट मिल्क पे किया था, लेकिन हुआ क्या ना यहाँ पे मुझसे ये चला नहीं। मैंने यहाँ पे देखो ये, एक तो मैं यहाँ पे गलती कर रही थी, मैंने इसको ऑन नहीं किया था, अब मैंने इसको यहाँ पे ऑन किया है दोबारा, और यहाँ पे इसको प्रेस किया, सेंटर में रखने के बाद भी मेरे से ये गर्म नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा कि अब नहीं करूँगी, मैंने इसे 2-3 बार करके देखा ट्राई कि चल जाए चल जाए चल जाए, लेकिन ये ढक्कन भी ढका मैंने इस पर, लेकिन ये नहीं चला। अब ये रात को आकर के इसे चलाएंगे, चल जाएगा ये आराम से, मुझे चलाना नहीं आ रहा ये। हेलो, आ गई, मैं ही हूँ। जय हिंद। जय हिंद। यार ये चलाया था मैंने, नहीं चला देखो, इसमें वही गर्म नहीं हो रहा। गुन्नू की मम्मी से भी चलवाया फिर मैंने, नहीं हो पा रहा है। बर्तन रखकर? हाँ जी बर्तन रखकर। तो अभी जाओगे दुकान? दुकान जाए बिना गुजारा है। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हो सब लोग बताना जरूर। और गौर बेटू भी यहीं पर है, सुन रही है मेरी बात में। आज मेरे साथ क्या हुआ मैं बताती हूँ। मैं एक्चुअली एक साड़ी थी जो इसमें पड़ी हुई है, इस बैग में, इस तरीके से। ये साड़ी मैं ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई कि मैंने कहाँ रख दिया, कहाँ रख दिया इसे। मैंने अलमीरा में ढूंढ लिया, ऊपर ढूंढ लिया, नीचे अपनी अलमीरा में, गौरी के कपड़ों के साथ में, सब जगह मैं ढूंढ चुकी थी, लेकिन ये साड़ी मुझे इस बैग में मिली, क्योंकि तनु इसी बैग में लेकर के आई थी। और हुआ क्या था, उसी टाइम फोन आ गया था दुकान से, तो मुझे जाना पड़ा था, तो मैं साड़ी को इसी तरीके से करके इसी के अंदर रख गई और ये बैग उठा करके रख दिया, क्योंकि ये बैग यूज ही नहीं होता है। और मैं इसे ढूंढती रही ढूंढती रही, ये जा करके इस बैग में मिली। तो क्या मिला मुझे इस बैग में? मुझे मिला ये साड़ी, ये मुझे दी थी मम्मी ने, मम्मी मतलब मेरे सासू माँ, वो गई थी लखनऊ। तो मैं दिखाती हूँ इसमें पूरी साड़ी कैसी है। ये मम्मी ने अभी पहुंचाई थी कि तुम पहन लेना इसको, अच्छी है काफी साड़ी। इस तरीके का इसका पूरा पल्लू है, ये पूरा भरा हुआ है, बहुत ही प्यारी सी साड़ी है। इस तरीके से बीच में इसमें बूटियां हैं, आप लोग बोलेंगे कि कैसे भरी हुई है, ये बहुत जल्दबाजी में रख दी गई थी तभी ये खो भी गई थी। पूरे में इस तरीके से इसमें बूटियां हैं और नीचे बॉर्डर है ये। और मम्मी ने ना ये तैयार करा रखे थे, इसमें फॉल पीको सब हो रखा है, ब्लाउज जो है इसका इस तरीके का है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ब्लाउज कैसा बनाऊं इसमें। मतलब पहले मैं सोच रही थी, मम्मी को मैंने यही बोला है कि मम्मी आप, मैं इसमें प्लेन बनवा लेती हूँ। मेरे को ये याद था कि मेरे पास में प्लेन इस कलर का ब्लाउज है, लेकिन मेरे पास प्लेन इस कलर का नहीं है, और मैरून इसमें नहीं अच्छा लगेगा एकदम। मैं सोच रही थी ये वाला कलर में बनवाऊं जॉर्जेट लेकर के। अभी मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं रेडी कर रहा हूँ कि नहीं, ब्लाउज मिल जाता मैचिंग कोई भी तो मैं इसको डाल लेती, क्योंकि बाद में मम्मी पहन लेती है, मम्मी हेल्दी है तो मेरे ब्लाउज तो आएंगे नहीं। अब अगर मैं इसको बनवाती हूँ तो मैं साड़ियाँ बहुत कम पहनती हूँ। देखती हूँ, मैं सोच रही हूँ, आप लोग बताइए कि मैं किस तरीके से इसको ब्लाउज बनवाऊँ, ये वाला बनवाऊँ या इसके साथ में प्लेन कंट्रास्ट डालूँ। अब कल ये वीडियो आपको मिल जाएगी तो कल आप लोग रिप्लाई देंगे,
जितनी ज्यादा बोटिंग आएगी वो मैं यूज करूंगी इस साड़ी के साथ में, क्योंकि मम्मी इतने प्यार से लेकर के आई हैं और है भी ये वाकई अच्छी। मेरे पास में इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी की कोई भी साड़ी नहीं है। वो कहते हैं ना स्टोन वाली जो होती है, और सारी जो बहुत सारी साड़ियां हैं नेट की है, स्टोन वाली है, मोती सितारे जो लगे होते हैं वो सब हैं, लेकिन मेरे पास ये एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी नहीं थी। तो इस साड़ी को पहनना तो है मुझे एक बार, उसके बाद में मम्मी पहने या मैं पहनूं वो देखेंगे। तो देखती हूँ अब क्या करती हूँ इसका, लेकिन आप लोग जरूर बताना और कैसे हो आप सब लोग ये भी बताना। और गौरी के लिए बोल रहे हैं कि आप लोग गौरी को नहीं दिखा रहे हो, तो एक मिनट रुको, मैं एक मिनट गौरी को दिखाती हूँ, आप लोग देख पाएंगे। तो ये रही गौरी, और यहाँ पर ना गौरी की लेटी हुई है आराम से। तो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा ये, और जो मैंने इंडक्शन दिखाया था आपको, इंडक्शन में चला रही थी वो नहीं, मतलब ऑन हो रहा है लेकिन उस पर कुछ काम नहीं हो पा रहा है। वो इंडक्शन मुझे दिया था दीदी ने, मेरी दीदी ने दिया था कि गौरी छोटी है तो आप इसे यूज कर लेना, और इंडक्शन के फायदे जाते हैं, कभी सिलेंडर खत्म हो जाता है तो यूज कर सकते। हाँ बेटू, क्यों रोया चोनू? तो इंडक्शन यूज करने के लिए बोला था दीदी ने कि तुम यूज कर सकती हो, यूज कर लेना इसे आराम से, और बहुत बेनिफिट होते हैं। हम जैसे विंटर में पानी वगैरह गर्म करना, वैसे थर्मस है लेकिन फिर भी अगर इमरजेंसी होती है कि नहीं गर्म है पानी तो तुम उस पर कर सकते हो, खाना बना सकते हो, कहीं पर भी उसे रख सकते हो। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये मुझे लगता है उसमें, लेकिन मैंने पहली बार ही चलाया है, मेरे पास था नहीं पहले से, पहली बार ही मैं उसे चला करके देख रही थी और वो चला भी नहीं। अब ये आएंगे दुकान से तब उसको चला करके देखेंगे। मैं उस पर गर्म करके देख रही थी कि कुछ दूध वगैरह गर्म हो जाए। क्या हुआ बेटू? गौरी को आने गोदी में। तो चलो भाई, आप लोग मुझे यही बताना, और इसी तरीके के छोटे छोटे ब्लॉग आएंगे, क्योंकि मैं अभी गौरी के साथ में बहुत ज्यादा बिजी हूँ। आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा, और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना है ना गौरी बेटू। तो चलिए सब लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट तो हो चुकी है क्योंकि बजे हैं अभी 9 बजने वाले हैं। बाय।